मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, फटाफट जो है आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बेटा, आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करने से पहले जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों से, तो सारे बच्चे जो है कक्षा 11 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और उसके साथ ही साथ मेरे बच्चे, उसके कक्षा 11 की बात ही नहीं करते हम, ये बात करते हैं कि भैया हमारा जो चैप्टर नंबर जो 10 था, हेलो वेलकम हेलो एरिन्स, इसको आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे, मैं सारे बच्चों से ये उम्मीद कर रहा होऊंगा कि सारे के सारे जो बच्चे हैं मेरे, वो क्या करेंगे कक्षा या क्लास, जो क्लास की बात नहीं करता बेटा, हाँ, तो सारे के सारे बच्चे से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग जो है चैप्टर नंबर 11 जो होता है अल्कोहल इथर और फिनॉल, ठीक है, अल्कोहल इथर और फिनॉल, ये जो चैप्टर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, तो ये वाला चैप्टर जो मैं आज कराने वाला हूं, जिसका नाम है क्या होता है बेटा, जिसका नाम होने वाला, देखो ध्यान से, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 होता है बेटा। क्या होता है? चैप्टर नंबर 12 होता है, अध्याय 12 की मैं बात करने वाला हूं। और डायरेक्ट अध्याय 12 के ऊपर मैं इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि यहां से 6 अंक के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बच्चे मैं इसी के ऊपर जो फोकस करूंगा। और उसके बाद अगर सारे बच्चे जो है क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर हमको जो है नेम रिएक्शंस के बारे में जानना है, कि कौन कौन से नेम रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। नेम रिएक्शन कहने का मतलब बच्चे, जो आपने पढ़ा होगा स्टीफन अभिक्रिया, रोजन मुंड अभिक्रिया, ऐसे नाम वाले रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभिक्रियाओं की बात कर रहा हूं। तो ऐसे नाम वाले अभिक्रियाओं के बारे में अगर आपको जानना है, तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डालने वाले, सेपरेट वीडियो लाने वाले, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप हो पाए। क्लियर सारे बच्चों को? तो चलिए बच्चे फटाफट जो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करने वाले, तो सारे बच्चों को यह पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे थोड़ा बहुत तो जानकारी ले लिए होंगे या फिर पढ़ भी लिए होंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है इसके अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबको थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी दे देता हूं कि भैया एल्डिहाइड क्या होता है। तो सारे बच्चे जान रहे होंगे एल्डिहाइड, फिर भी मैं थोड़ी सी, बच्चे हमको जो क्लास स्टार्ट करनी है तो इससे पहले जो है थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए कि आखिर चीजें कैसे होती है, क्या होती रहती है इसके बारे में। कीटोन के बारे में बात करता हूं, और हम क्या बात करने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बात करूंगा। तो सारे बच्चों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे सारे क्या कर रहे होंगे, इसके जो है संरचना जो होती है वो कैसे बनती है, इसके बारे में सारे बच्चे जान रहे होंगे। तो बच्चे ध्यान से देखना, समझना क्या होता है, यहाँ पे जो है एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से कुछ रहता है स्ट्रक्चर, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोल रहे होते हैं। और कीटोन की बात करूं, कीटोन कैसे बनता है बच्चे ध्यान समझना, यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप के साथ ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, और यहाँ पे भाई सेम ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, सेम जो है एल्किल ग्रुप रहेंगे, तो हम इसको बोलते हैं क्या है, कीटोन बोलते हैं। क्लियर बच्चे? अब कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं, तो सेम यही फंडा है, कोई यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां से OH आ जाएगा, और सिंपल यहां पे क्या होगा बेटा, एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, तो ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक फैमिली होती है। तो ये सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बच्चे यहां पे मैं जो है सीधा डायरेक्ट जो है फंडे के ऊपर आता हूं, फंडे के ऊपर बात करता हूं, यहां पे कैसे चीजें जो है कन्वर्जन होती है, मतलब कि एल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटोन कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, इसके ऊपर मैं बात करता हूं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों से ये उम्मीद कर रहा हूं बेटा, वापस से देखो, उम्मीद बहुत ज्यादा बच्चे आप लोग से, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग तो है, आप ही लोग जो हमको जो है अच्छे रिजल्ट देने वाले बच्चे हो, तो हम क्या करेंगे बेटा, आपके ऊपर ही उम्मीद करेंगे। तो बच्चे सारे से मैं उम्मीद कर रहा हूं वापस से कि भाई आपको जो है बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होगी। और यहां पे बच्चे अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब सारे बच्चे मेरे को पता होगा कि भाई जान ही रहे होंगे, इसमें कोई बताने लायक कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसको बचपन से ही पढ़ रहे हो आप। अगर अपचयन की बात करूं बेटा, तो अपचयन आपको पता होगा कैसे चीजें होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें बेटा, इन सारी चीजों अगर पता रहेगी तो आप इसके जो है थोड़े से फ्लो में आ सकते हो कि कैसे चीजें करनी होगी, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की मैं बात करूं बेटा, तो यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन का एड ऑन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ये हमारा क्या कहला रहा होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और भैया हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना भी हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर है सारे बच्चे, हाइड्रोजन का निकलना। उसी प्रकार बेटा अपचयन की मैं बात करूंगा, तो अपचयन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन का निकलना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑक्सीजन जब निकलेगी तो वहां पे क्या होता है, अपचयन की प्रक्रिया होती है। अगर वहां से जो है हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये बहुत बेसिक और बहुत बचपन की बात है, या इसको थोड़ी बहुत हमको जो है नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ फंडे हैं। अब हम बात करते हैं भैया कि हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो बनता कैसे, एल्डिहाइड से हमको कौन कौन सी चीजें मिलती है, इसके बारे में बात करता हूं। मैं बनता पहले इसके ऊपर नहीं बात करता बेटा, पहले कन्वर्जन के ऊपर बात करता हूं कि कैसे कैसे करेंगे, तो कैसे चीजें हमको जो है मिल पाएगी। क्लियर है सारे बच्चों? तो उसको फटाफट देख लेते हैं, इसको पहले
उसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक स्लाइड चाहिए रहेगा, जिससे हम जो है यहाँ पे अच्छी तरह सारी चीजों को लिख पाएंगे। बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा मेरे पास क्या होगा, एक अल्कोहल होगा। क्या बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्कोहल क्या चीजें होती, कैसे होती है, OH ग्रुप लगता है, इसको हम अल्कोहल बोलते हैं, सारी चीजें फंडे आपको पता होगी। इस अल्कोहल को अगर मैं अपचयित करता हूँ, ऑक्सीकृत करता हूँ, तो ऑक्सीकृत करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा बेटा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मेरे को मिलेगा। तो यहाँ पे एक फंडा मेरे को पता चल गया कि भैया अगर मैंने क्या बेटा अल्कोहल को क्या किया, अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया, तो मेरे को एल्डिहाइड या फिर बेटा कीटोन मिल जाएगा, दोनों में से एक मिल जाएगा या फिर दोनों मेरे को मिलता है। मैं बताऊंगा कैसे मिलती है उसके बारे में, पहले समझ लो ये एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगी। अगर बच्चे मैं क्या करूं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ऑक्सीकृत करूं, मतलब यहां से ऑक्सीकृत करने के बाद मेरे को वापस से क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, इस पे मेरे को मिलेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलने वाला है। क्लियर सारे बच्चों को? तो ये कुछ फंडे बेटा, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कॉपी के अंदर लिखिए, जिससे आपके फंडे जो है बहुत क्लियर हो पाए। देखो बच्चा ये होता है, ठीक है, अगर मेरे को जो है डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा। क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक लूंगा। अब बच्चे आपको पता है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है, भैया हमारा KMnO4 जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और साथ ही साथ K2Cr2O7 जो होता है ये हमारा प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये अपन को पता है। तो बेटा यहां पे हम क्या करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंसी में, प्रबल मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंसी में, ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में, मतलब भैया KMnO4 या फिर बेटा K2Cr2O7 इसकी प्रेजेंसी में क्या करता है, डायरेक्ट अल्कोहल जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बच्चे आपको पता होगा कि अल्कोहल को हम लोग कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि बच्चे यहां पे बात कर रहा हूं मैं कुछ भाग कहने का, मतलब उसको कुछ वर्गीकरण करते हैं। उस पर अपन ने पढ़ा होगा, जब अल्कोहल पड़े होंगे तो वहां पर बात किए होंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। सिंपल बात बेटा, वापस से अगर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, कोई यहाँ पे जो है हड़बड़ी नहीं करेंगे, हम जो शांत तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कैसी चीजें होती है। देखो बच्चे क्या बात करते हैं अपन, मैं आपको बताएगा निश्चित तौर पे। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा जो अल्कोहल होता है जैसे CH3OH जो होता है हमारा, ये 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब वहां पे कार्बन जो भी है एक होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, वहां पे एक कार्बन दो कार्बन, तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा, 2 डिग्री जो है अल्कोहल कहला रहे होते हैं। तो ये सारी बातें जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी जब अल्कोहल पढ़ेंगे बेटा, तो वापस से मैं ये चीज रिवाइज कराऊंगा कैसी चीजें होती है। फिलहाल अभी समझ लो कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है और 3 डिग्री अल्कोहल होता है, और ये जो प्रोसेस होता है बेटा जब अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो उसको हम बोलते हैं वहां पे, हाँ दो प्रोसेस के बारे में बात की जाती है, हमारा विक्टरमेयर प्रोसेस बात करते हैं, जो हमारा परीक्षण होता है 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो वहां पे बेटा जब अल्कोहल पढ़ोगे तो वहां पे दो प्रक्रम पढ़ोगे, दो प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे, दो रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। पहला जो होता है बेटा विक्टरमेयर जो है अभिक्रिया। क्या बेटा? विक्टरमेयर अभिक्रिया, जहां पे आपको ये पता चलता है कि कौन सा अल्कोहल जो है 1 डिग्री अल्कोहल होता है, कौन सा अल्कोहल जो है 2 डिग्री अल्कोहल होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चे, उसी के बाद जो एक और अभिक्रिया होती है जो उसको आपको पढ़ना होगा, वो मैं पढ़ा दूंगा, दिक्कत नहीं है सारे बच्चों को, समझ में आया बेटा। ठीक है, इस प्रकार से अपन बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब अपन ये समझते हैं बच्चे कि हमारा, ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि हमारा जो एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, उसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसके ऊपर बात करते हैं बच्चे। ध्यान से देखना, एल्डिहाइड का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एल्कीन का सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना बच्चे, यहां पर मैं पूरा का पूरा जो सिलेबस यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, ना तो बच्चे मैं पूरा का पूरा यहां पर जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, मैं सिर्फ यहां पर बच्चे आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाला हूं। मतलब कि बच्चे आपको यहां पर सिर्फ ऐसे क्वेश्चन दूंगा या फिर सिर्फ ऐसे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, कभी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर बच्चे? तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे, ना जी भैया यहां पे कुछ और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर बात करेंगे, ना तो बच्चे हम कुछ ऐसे जो है बात करेंगे जो हमारे लिए रिलेवेंट ना हो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बच्चे? समझ में आया? तो चलिए बच्चे देखते हैं, ये बच्चे क्या है हमारा एक जो है इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करना होता है, ध्यान से, एल्किल का ओजनीकरण करके, एल्किन का ओजनीकरण, अब ओजनीकरण बात कर रहा है तो यहां पे ओजोन का यूज होगा, डेफिनेटली ओजोन का यूज होगा। अब यहां बनेगा क्या बेटा? एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, एल्किन से हमारा बनेगा एल्डिहाइड। किससे बनता है? एल्किन से। अब एल्किन क्या होता है बेटा, आपको पता है जहां पे डबल बॉन्ड होता है वो हमारा क्या होता है, एल्किल होता है। यहां से देखना, यहां पे एल्किन बनाते हैं CH2 बनाने के, नहीं CH2 में ज्यादा अच्छे समझ नहीं आएगा, तो हम अपन कर लेते हैं CH3 यहाँ पे बेटा CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे CH2 कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या बेटा ये हमारा क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप है, डबल बॉन्ड का मतलब एल्किल ग्रुप है, ठीक है। इस एल्किन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अंदर मतलब इससे हम क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन करेंगे किसका, O3 का, O3 CCl4 और ZnH2O की प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी, रिएक्शन जो है सफल होगी। और इसको करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद हमको क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन, ये दोनों भी मिल सकता है इस रिएक्शन के अंदर, दोनों मिलने वाली। कैसे मिलेगा बच्चे, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। देखो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है, जब रिएक्शन होगी तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, और टूटने के पश्चात मेरे को ओ देगा, दो क्या देगा बेटा, मेरे को ऑक्सीजन देगा। अभी ऑक्सीजन आया तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे होगी बेटा, ध्यान से, ये क्या बनाएगा, बैलेंस होने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ बनाएगा। अब इस साइड वाला पोर्शन देखना बेटा, इस साइड वाला जो पोर्शन है क्या था, CH3 और CH3, तो यहां पे क्या बनाएगा, CH3 और यहां पे बनेगा CH3। तो ये क्या दिख रहा है बेटा, यहां एक कौन सी ग्रुप की तरह दिख रहा है, ये हमारा एक कीटोन ग्रुप की दिख रहा है। क्या बेटा, कीटोन जो है ग्रुप की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा बच्चा, ये मेरा कीटोन होगा, ठीक है। अब कीटोन बना, अब दूसरा भी पोर्शन देखो ध्यान से, यहां पे ऑक्सीजन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन निकला, अब सी से बॉन्ड बनाएगा, वो क्या बनेगा, अच्छा सी से बॉन्ड बनाएगा, तो सी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये सीओ बना देगा, और यहां पे एक एच होगा, और यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, CH3 होगा। सिंपल बच्चे, सिंपल, ये एक एच यहां पे, एक CH3, सिंपल। तो यहां पे क्या मेरे बच्चे, यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का। तो बच्चे सॉरी, मैं यहां पे क्या है इंग्लिश पे लिख दिया, तो आप लोग समझ जाइएगा क्या है हमारा, एक एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। क्लियर प्यारे बच्चों, समझ में आया सारी बातें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, इस एल्किन से ओजुनीकरण के द्वारा हमारा जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा। क्या है बच्चा, ये हमारा पूरा का पूरा एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको अब अगर आप जो बुक के हिसाब से करने जाओगे तो कुछ लंबा प्रोसेस पड़ता है। क्या बेटा, कुछ लंबा प्रोसेस पड़ता है, मतलब कि वहां पे कुछ ऐसे दी गई है कि ध्यान से देखना, मैं इसी को बना के दिखाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना समझना। इसी को बुक में कैसे दिया जाएगा, ध्यान से देखना समझना कैसे चीजें होती है। हमारे पास क्या था, चलो ये क्या था बेटा, सी डबल बॉन्ड CH3, यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 और क्या हो जाएगा, CH3। तो इसको बुक में कैसे दिया रहेगा बेटा, बुक में कैसे दिया रहेगा, ध्यान से देखना। उस बुक को भी याद करने का तरीका है, उस बुक में जो दिया है उसको भी याद करने का तरीका है, उस तरीके के ऊपर बात करता हूं। सबसे पहले अपन को क्या बनाना है बच्चे, सबसे पहले अपन को बनाना है घर। क्या बनाना है बेटा, घर बनाना है। फिर इस घर को क्या कर देना है, तोड़ देना है। इस घर को क्या करना है बेटा, तोड़ देना है। पहले घर बनाना है, फिर घर तोड़ देना है। क्या करना बेटा, पहले घर बनाना है, फिर घर तोड़ देना। ये हमारा कुछ होता है बुक के हिसाब से, इसको भी याद करने का तरीका, आप दोनों प्रोसेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसे होता है, घर बनाने, घर कैसे बनाने वाले हैं, देखो बच्चे ध्यान से समझना कैसे चीजें होती है। हमारे पास यहां पे प्रोसेस कौन से लेते हैं हम, O3 CCl4 की प्रेजेंसी में Zn+, हाँ इसको पहले ले लेते हैं। देखो ये जो प्रोसेस दो बार में होता है उसको हम लोग, सॉरी यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था, एक ही बार में सारे प्रोसेस हो रही है, ये जो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जब हम देखेंगे बुक के हिसाब से तो ये जो चीजें हैं वो अलग अलग हो जाएगी। पहली प्रोसेस की बात करते हैं, O3 ओजोन CCl4 की बात करता हूँ। इसमें कैसे चीजें होगी ध्यान समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एक O होगा, क्योंकि O3 है बच्चा, क्योंकि O3, तो यहाँ पे एक O होगा। अब इस C से क्या होगा, दो जो है एल्किल ग्रुप हमारे इस तरीके से अटैच होंगे, मतलब कि बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 मेरे को इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पे CH3 मेरे को मिलेगा, और यहाँ पे मेरे को दूसरा जो हमारा ऑक्सीजन है मिलेगा, और तीसरा ऑक्सीजन मेरे को कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे ध्यान से समझना कि एक घर का निर्माण हो गया, यहाँ पे H और यहाँ पे हो जाएगा CH3। बना तो सारे वही है, सब कुछ वही बना बेटा, बस यहाँ पे क्या गया, एक घर का निर्माण हुआ। इस घर को बना, पहला प्रोसेस क्या था बेटा, हमारा घर बनाना था। अब हमने घर बना लिया, अब इसको क्या करना है, अब इसको तोड़ना है। अब इस घर को क्या करना है बेटा, तोड़ना है। इस बीच से अपन तोड़ेंगे इसको, एक साइड का पोर्शन, ये एक साइड का पोर्शन। अब इस घर को अपन क्या करने वाले, तोड़ने वाले। अब तोड़ेंगे कैसे ध्यान से समझना, ठीक है। अब तोड़ने के लिए बच्चे हम इसको किससे रिएक्शन कराते हैं, Zn H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। वहां पे प्रोसेस एक साथ हो रही थी, अब यहां पे अलग अलग कर दिया, सिंपल सी बात, ठीक है। यहां पे क्या होगा, Zn+H2O के साथ जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो यहां पे समझना क्या था, हमको जो है एल्डिहाइड और कीटोन मिलने वाला, तो वहां पे दो ऑक्सीजन की बात होती है। एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन होता है, कीटोन में एक ऑक्सीजन होता है, समझ में आया बच्चा। तो वहां पे, यहां पे तो क्या दिख रहा है अपन को, तीन ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब वो तीसरा जो ऑक्सीजन होगा वो Zn के साथ, जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnO बना देगा। क्या करेगा बच्चा, ZnO बनाएगा। तो ये ZnO मेरे को मिल जाएगा, और ये प्रोसेस के अंदर ध्यान से समझना कैसे चीजें होती है बच्चा, ध्यान से देखना।
जो सेम जो हुआ था हमारा अभी की अभी, जो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा एच सी ओ सी एच थ्री प्लस मेरे को क्या मिलेगा, प्लस मेरे को मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे मेरे को मिलेगा सी एच थ्री और सी एच थ्री। इस प्रकार से मेरे को कीटोन यहाँ पे मिल गया, कीटोन मेरे को यहाँ पे मिल गया और एल्डिहाइड भी मेरे को यहाँ पे मिल गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा जो है अब बुक के हिसाब से जो इस तरीके से हम जाते हैं उस प्रोसेस के हिसाब से ये बच्चा, ये आपके एग्जाम से ओरिएंटेड मतलब शॉर्ट ट्रिक है बच्चा, ये शॉर्ट ट्रिक है। इस ट्रिक को लेके आप ये कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसक जो है इसका यूज कर सकते हो। क्लियर बच्चे? अब अपन जो है करने वाले सारे प्रोसेस आपको पता चल गया, बहुत अच्छे से कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। एल्काइन के जलयोजन के द्वारा बात करते हैं, एल्काइन के जलयोजन के द्वारा जो कैसे हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में बात करते हैं। हाँ बच्चे, हम लोग एल्काइन के जल अपघटन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, एल्काइन के जो है जल योजन के द्वारा कैसे हमको जो है कीटोन या फिर एल्डिहाइड मिलता है इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। बच्चे यहाँ पे हम लोग बात किया हुआ था कि हमारा जो टेटोमेरिज्म के हिसाब से, भैया टेटोमेरिज्म के हिसाब से हमारा जो इनॉल था वो अस्थाई, वो स्थाई कैसे बनता है। तो यहाँ पे अपन ने बात किया बच्चा कि जो जेड होता है, अगर जेड डबल बॉन्ड में होता है तो वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में रहता है, और एक्स के साथ जो लिंक में रहता है हमारा हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरीके से अपन ने बात किया हुआ था। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारा एक जो है क्या होता है, बेटा ध्यान समझना, यहाँ पे प्रोसेस कैसे हो रही है। यहाँ पे जो CH3CH3 ट्रिपल बॉन्ड था वो H2O के साथ पहले रिएक्ट हुआ तो हमको ये मिला। अब बच्चे ये क्या होगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, अब क्या करेगा H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और हमको कुछ इस तरीके से कंपाउंड दे देगा। क्लियर बच्चे, ध्यान सुनना, देखो क्या होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट, यही तो हमारा बना हुआ था ना, यही तो हमारा बना हुआ था बेटा, यही तो बना हुआ था ना, एकदम इजी, सारे बच्चों को समझ में आया, यही तो मेरा बना हुआ था। क्लियर, अब देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है इधर H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो मेरे को कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब कि बच्चे ध्यान सुनो, जो CH3 मेरे को मिला C के डबल बॉन्ड में बच्चा CH, उसके बाद OH और OH मिला। अब यहां से अपन को क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझते रहना, हमको लगाना है टॉटोमेरिज्म। क्या लगाना है बच्चे, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या बात करते हैं कि भाई जो X जो डबल बॉन्ड में रहता है Y और Z, हम उसको क्या बोलते हैं, Y और Z बोलते हैं। देखा बच्चा, जो डबल बॉन्ड में होता है तो ये मेरा Z हो गया और ये मेरा क्या हो गया, Y हो गया। क्लियर बच्चे, अब ऑक्सीजन के साथ जो एक्स के साथ जो हाइड्रोजन के साथ बंधा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ रहता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्स होता है, ये हमारा एक्स हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे अपन ने क्या बात करा, जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक्स में शिफ्ट हो जाता है, एक्स और वाई के बीच में शिफ्ट होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है यहां एक्स और वाई के बीच में शिफ्ट होगा और ये जो हाइड्रोजन है बच्चे वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास ऐसे शिफ्ट हो जाएगा जेड के पास, यही सीखा हुआ था अपन ने। तो हमको ये जब शिफ्टिंग होगी, सारी चीजें काम होंगे तो हमको लास्ट में एट द एंड क्या मिल जाएगा बच्चे, ध्यान सुनते रहना, देखते रहना, समझते रहना। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, सी मेरे को मिलेगा यहाँ पे और सी के साथ डबल बॉन्ड में क्या मिलेगा बच्चा, मेरे को ऑक्सीजन मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से। क्लियर, अब देखो बच्चे ये क्या होगा, CH3 हुआ, इस साइड पे देखो सी यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा CH3। अब यहाँ पे बच्चे मेरे को दूसरी साइड पे भी मेरे को CH3 मिला तो ये तो मेरा दिखता है भैया, ये मेरा क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये मेरा क्या होगा, कीटोन होगा। तो इस प्रोसेस के अंदर हमको ये पता चलेगा कि ये पूरा प्रोसेस एल्काइन को जब हम क्या जल योजन करते हैं तब यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया, पहले वाले प्रोसेस में हमको क्या मिला था, एल्डिहाइड और कीटोन बोथ मिला था बच्चे, यहाँ पे मेरे को कीटोन मिला है। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चा एक्सप्लेनेशन देने की हमारे एंड्स जितनी कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं बच्चे आपको समझाने की। बच्चे आपको एग्जाम्स के ओरिएंटेड बच्चे पढ़ाई करा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करें जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा या फिर पूछा गया है। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भैया अपचयन के बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ मेरे बच्चे कि अपचयन आखिर होता क्या चीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारी चीजें क्लियर करा दी कि अपचयन क्या चीज होती है। हाइड्रोजन का जो जुड़ना होता है वो हमारा अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जो निकलना होता है वो मेरा क्या क्या कहलाता है, अपचयन कहला रहा होता है। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया। अब देखो बच्चे यहाँ पे बात कर दी है अपन, ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिससे और जो है बहुत अच्छे तरीके से सिंपल हो पाएगी। अब बात करते हैं बेटा रोजनमुंड अभिक्रिया की, रोजनमुंड अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी नेमिंग वाले होंगे बेटा जिनमें भी जिस रिएक्शन के अंदर जिस अभिक्रिया के अंदर नाम आते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया, स्टेफन अभिक्रिया, ठीक है कुछ अभिक्रिया और बहुत सारी मैं बताऊंगा, वो सारे जो नाम वाले अभिक्रिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक कॉपी के अंदर लिखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। ठीक है कैसे चीजें होती है, क्या चीजें करते हैं पढ़ाएंगे अपन, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो जब तक आपका ये जो केमिकल लोच है ना वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा जरूरी इसके अंदर। तो देखो बच्चे क्या करेंगे अपन, देखो क्या होता है, एक एसिड हैलाइड होता है, इस एसिड हैलाइड में बच्चे आपके टाइम जो है सेव करने के लिए, हमारा और आपका जो है टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से ही लिख के रखा हुआ है जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो पाए और आप जो है क्वालिटी कंटेंट आपको सही तरीके से सही ढंग से मिल पाए। क्लियर बच्चे, देखो क्या होता है एसिड हैलाइड का,
एसिड हैलाइड का, जब मैं जो है लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है सर, अब लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। अब यहां पे एक बात आती है, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चे, जो पीडी या फिर भैया जो बेरियम सल्फेट होता है, पीडी या फिर जो बेरियम सल्फेट होता है, ये हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको अपन बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बच्चे, लिंडलार कैटलिस्ट। क्लियर बच्चे, तो लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में जो हमारा क्या बोलते हैं बच्चे, जो हमारा एसिड हैलाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, ठीक है था? ये जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, ये इसको हम बोल रहे होते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया? चलिए बच्चे देखते हैं फटाफट क्या होता है इसके अंदर, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल पे हमको समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। देखो बच्चे यहां पे जो हमारा क्या है, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड ओ के साथ, मतलब ये हमारा क्या बेटा एक एसिड हैलाइड, ये मेरा क्या बच्चा एक एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड। यहां पे हैलाइड दिख रहा है, यहां पे हैलाइड दिख रहा है आपको, CL हमारा क्या होता है हैलाइड होता है, तो ये हमारा एक एसिड हैलाइड। इसमें क्या होगा बच्चे, जो H2 होगा इसके साथ रिएक्ट होगा, और जो पीडी लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंसी में जो H होगा, यहाँ पे जो H होगा, यहाँ पे जो H होगा वो ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, जो H होगा बेटा वो ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, जो सॉरी जो H होगा वो क्लोरीन लेके भागेगा, ऑक्सीजन नहीं भैया, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे लेके भागेगा ना, सॉरी माय बैड मैंने गलती कर दी, तो यहाँ पे बेटा जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, सॉरी हाइड्रोजन जो होगा वो क्या करेगा, क्लोरीन लेके भाग जाएगा, मतलब ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे टू हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन ही भागेगा ना भाई, एक हाइड्रोजन बचा है, तो एक हाइड्रोजन बचने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमको एल्डिहाइड मिल जाता है, एल्डिहाइड मेरे को मिल जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को, इस प्रकार से मेरे को क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। क्लियर, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को क्लियर होगा। ये जो प्रोसेस होता है बेटा, हम इसको बोलते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्या बच्चा, रोजेनमुंड अभिक्रिया। यहाँ पे आपको जो है इसका डेफिनेशन लिखना होता है, जब एग्जाम्स में आए बच्चे तो इसको अगर एक डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के साथ साथ बच्चे आपको जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है, और इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देना होता है। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद बात करते हैं, मतलब रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। ये हमारा होता है स्टीफन अभिक्रिया। क्या बच्चा, स्टीफन अभिक्रिया। इस स्टीफन अभिक्रिया में क्या होती है, ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। अब बच्चे यहां पे मेरा क्या होता है कि एक जो है एल्किल साइनाइड होता है। क्या बच्चा, एक एल्किल साइनाइड, यहां पे नाइट्रिटो की भी बात की जाती है, नाइट्रिल ग्रुप की भी बात की जाती है, मतलब नाइट्रोजन जो ग्रुप होता है ना उसके बारे में भी बात की जाती है। यहाँ पे साइनाइड लेके मैंने चला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, साइनाइड के बारे में, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड को हम लोग जब क्या करते हैं SnCl2 फिर HCl की प्रेजेंसी में, या फिर बेटा H2O4 की, सॉरी H2O4 नहीं, H2O की प्रेजेंसी में ये क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, हमारा जो है स्टीफन अभिक्रिया कहला रहा होता है। एकदम सिंपल। देखो मेरे प्यारे बच्चे एक बात नोटिस करना आप लोग, जब हम क्या करें सिर्फ और सिर्फ जो है रिएक्टेंट की साइड पे चेंजेस करते जा रहे हैं, और जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो उत्प्रेरक यूज करते हैं, उस उत्प्रेरक को हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। हम कैटलिस्ट यूज चेंज किए, हम जो है रिएक्टेंट को चेंज किए, तो वो सारे जो सारे रिएक्शन हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, सारे सारे के जो रिएक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी पड़ेगी बच्चा, आपको क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन के अंदर कौन से कैटलिस्ट यूज किए जा रहे हैं। तो आप एक डब्बे बना के, एक सीरीज बना के याद रखना कि कैसी चीजें होती है। और दूसरी बड़ी चीज बच्चे, आपको जो रिएक्टेंट को याद रखना है, मतलब अभिकारक को याद रखना कि कौन कौन से अभिकारक काम में लिए जा रहे हैं। समझ में आया सारे बच्चों को? देखो इसको क्या करेंगे भैया, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड एन था, मतलब साइनाइड था, इसके साथ भैया एल्किल ग्रुप के साथ जो साइनाइड बॉन्ड होगा, साइनाइड होगा, उसको जब हम SnCl2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, या फिर बच्चे HCl की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराऊंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले बच्चे हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड के रूप में जाने से पहले हमको मिलेगा एमाइन। क्या मिलेगा बेटा, इमाइन बोलेगा, इमिन मिलेगा, ठीक है, हमको मिलेगा इमिन, अमाइन नहीं बच्चे, हमको मिलेगा इमिन। क्लियर पहले बच्चों, हमको मिलेगा इमिन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड के अंदर। जब ये रिएक्शन होता है तो हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या चेंज हो जाता है डबल बॉन्ड के अंदर, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड NH हमको कुछ इस तरीके से मिल रहा होता है। अब बच्चे जब अपन बात करते हैं इसका, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब जल योजन कराते हैं, तो जल योजन करने के बाद बच्चे हमको एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन जब होता है तो हम इसको क्या, कौन से रिएक्शन बोलते हैं, कौन सा नेम रिएक्शन बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन होता है, स्टीफन अभिक्रिया हो रही होती है। क्लियर सारे बच्चों को? चले बच्चा आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चे बात करते हैं हम लोग DIBAL की बात करते हैं। क्या बच्चे, DIBAL की बात करते हैं, इसको अपन क्या बोल रहे होते हैं, ध्यान समझना और सीखना कि भैया इसको हम जो है क्या बोल रहे होते हैं। तो आपको पता भी होगा बच्चे, हम इसको बोलते हैं तो इसको अपन बोल रहे होते होते हैं बच्चे डाई आइसोब्यूटाइल। क्या बच्चा, डाई
आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा होता है DIBAL H अपचैक। और अपचैक हमको पता है कि अपचैक क्या चीजें होती है, ये सारे बार बार बताने की चीज नहीं है भैया, हम उसको बार बार पढ़ चुके हैं कैसी चीजें होती है, क्लियर सारे बच्चों को समझ में है। अब देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं, हमको DIBAL की बात करें, ठीक है। तो ये इसका कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ जो है स्ट्रक्चर होता है। देखो बच्चे क्या थे, CH3 जो हमारे क्या था, ये इतना बच्चा डाई क्या था, डाई ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब चार जो है कार्बन यहाँ पे दिख रहे, ब्यूटाइल हो गया। डाई की बात करते मतलब यहाँ पे दो जो है डाई ब्यूटाइल, मतलब यहाँ पे दो ब्यूटाइल मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी अलग से दिख रहा है, एल्यूमिनियम भी अलग से, तो ये हमारा क्या होगा, डाइब्यूटाइल आइसो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बच्चे ध्यान से समझना सीखना कि भैया हैलाइड को अगर मैं एसिड हैलाइड को जब इस कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में, इस अपचायक की प्रेजेंसी में, कैटलिस्ट नहीं, इस अपचायक की प्रेजेंसी में रिएक्ट कराता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बच्चा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर सारे बच्चों को। आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी और कुछ चीजें करके देखनी पड़ेगी कैसी चीजें होती है। देखो ध्यान से क्या होता है बेटा, यहां पे जो एसिड हैलाइड के प्रेजेंसी में, मतलब कि अम्ल हैलाइड के प्रेजेंसी में, सॉरी अम्ल हैलाइड को जब हम क्या करते हैं, DIBAL की प्रेजेंसी में, मतलब इस अपचायक की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराते हैं, तो हमको यहां पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। एकदम सिंपल, सारे बच्चों को समझ में आया मैंने क्या बोला, बच्चा ध्यान से वापस से और सुन लो। जब हम करते हैं अम्ल हैलाइड को इस DIBAL कि अपचायक के प्रेजेंसी में, उसकी मौजूदगी में, उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं, तो हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एल्डिहाइड आपको दिख रहा है बच्चा, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये बच्चे कुछ और जो एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बच्चे क्या कर लो, अपने कॉपी के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर बच्चे, चलिए आगे बढ़ते फटाफट। अब देखो बच्चे क्या बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बोला गया, मतलब यहाँ पे बेंजीन का हैलाइड के बारे में बात की गई है, मतलब हमको एक बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा, बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा। अब बेंजीन रिंग में क्या लेंगे बच्चे, ध्यान सुनना, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो मेथाइल बेंजीन मिला बना हुआ है, ठीक है, जो मेथाइल बेंजीन मिला हुआ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है एक नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस नाम है, बच्चे वो हमारा होता है टॉलुविन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुविन। तो ये हमारा क्या होता है, टॉलुविन होता है। जब टॉलुविन को इस जो है Cl2 या फिर भी जलयोजन करने पर हमको जो है लास्ट में क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये फंडे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए कि भैया जब हम टॉलुविन का रिएक्शन करते हैं, या फिर जलयोजन करते हैं, या फिर भैया हम CrO2Cl2 की प्रेजेंसी में जब रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, बेंजल्डिहाइड। यहां पे देख रहे हैं CHO ग्रुप, यहाँ पे जो CHO ग्रुप, ये हमारा जो है एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है, ये हमारा जो है CHO क्रियात्मक समूह है, मतलब कि बेटा ये हमारा जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसके साथ बेंजीन लगा हुआ, तो ये हमारा क्या होगा, बेंजल्डिहाइड हो गया। क्लियर बच्चे, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग पूरे का पूरा जो प्रोसेस था वो यहाँ पे बात की गई। अब बच्चे अपन बात करते हैं कि भाई इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे और बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीका, ध्यान सीखना और समझते रहना, ठीक है। देखो इटार्ड अभिक्रिया क्या बोलती है, इटार्ड अभिक्रिया में हमारे पास एक होता है टॉलुविन, इसको मैं जो वापस से लिख देता हूं, टॉलुविन। अब इस टॉलुविन को जब हम क्या करते हैं, CH2 विलायक की प्रेजेंसी में, CH2 विलायक की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ भैया, रिएक्ट कराते हैं CrO2Cl2 अपचायक की प्रेजेंसी में, CrO2Cl2 के प्रेजेंसी में भैया, CLH2 जो हम विलायक लेंगे, उस विलायक में जब रहेगा ये हमारा टॉलुविन, तो जब रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, एक जो ये रिएक्शन मिलेगा जिसमें हमको एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका बच्चा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, एकदम सिंपल, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करना है अपन को, जो CrO2Cl2 रहता है, यहां से जो ऑक्सीजन होगा ऑक्सीडाइज होगा, अब देखो ऑक्सीजन रिएक्ट होगा, तो बच्चे यहां पे जो CH3 था इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे जो ऑक्सीजन, देखो CrCl2OH जो है जुड़ जाएगा, क्या जुड़ा, ध्यान समझना, वापस से समझना, इसमें जो ऑक्सीजन होगा, सॉरी इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसको रिप्लेस करके, ये जो हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं CrO2Cl2 जो यूज कर रहे हैं बच्चा, इसको क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा CH, उसके बाद बाकी का जो हमारा रिएक्शन है वो, क्लियर सारे बच्चों। तो क्या होगा, CrCl2OH ट्वाइस हमको बनेगा, और इसका जब हम करते हैं जलयोजन, इसका जब हम जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन करने के बाद बच्चे मेरे को जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब एल्डिहाइड मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मेरे को मिल जाएगा,
एल्डिहाइड मेरे को मिल जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इटार्ड अभिक्रिया बोल रहे होते हैं, बहुत सिंपल बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गॉटरमैन कोच अभिक्रिया की बात करते हैं। गॉटरमैन कोच अभिक्रिया क्या बोलती है, बहुत इजी, ये भी बहुत इजी बेटा, जब बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे चीजें हो रही, लेकिन भैया बहुत इजी अभिक्रिया है। क्या बात करते हैं, देखो गॉटरमैन कोच अभिक्रिया क्या बोलती है, जब हमारे पास एक बेंजीन होता है, जब हमारे पास एक बेंजीन होता है उसको हम निर्जल AlCl3 की प्रेजेंसी में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंसी में जब CO और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 की प्रेजेंसी में CO HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है, CHO का फॉर्मेशन मिलता है। क्या बेटा, CHO का फॉर्मेशन, मतलब कि एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, गॉटरमैन कोच अभिक्रिया कहला रही होती है, गॉटरमैन कोच अभिक्रिया हमारी कहला रही होती है, बहुत सिंपल। क्लियर सारे बच्चों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कीटोन निर्माण की कुछ विधि होती है, इस प्रकार से बच्चे हम लोग जो हमारा एल्डिहाइड के निर्माण की जो विधियां थी उसको हम लोग पढ़ लिए। अब बच्चे कीटोन के निर्माण की विधि के बारे में बात करते हैं कि भैया कीटोन का निर्माण कैसे होती है और कैसे चीजें बात करते हैं, ठीक है। एल्डी एसिड हैलाइड के द्वारा, क्या बच्चा, सबसे पहले एसिड हैलाइड के द्वारा, वहां पर हमने पहले भी सीखे हुए थे कि एसिड हैलाइड के द्वारा कैसे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब बच्चे वापस ये सीखते हैं कि एसिड हैलाइड के द्वारा कीटोन का कैसे निर्माण होता है, ठीक है। एसिड हैलाइड आपको दिख रहा होगा बेटा, ये रिएक्शन मैं आपको वापस से अभी फिर से दिखा रहा हूं कैसी चीजें होती है। इस एसिड हैलाइड में जो सीडी रहता है, कैडमियम रहता है, कैडमियम के साथ जो एल्किल ग्रुप रहता है, इससे जब रिएक्ट होती है तो हमको क्या मिलता है बेटा, सीडी जो होता है उस सीएल को लेके भाग जाता है, मतलब सीडी सीएल बना देता है, सीएल टू बनाता है, मतलब कैडमियम क्लोराइड मेरे को मिलता है। अब जो बाकी जो हमारा जो ग्रुप रहता है यहां पे मेरे को कीटोन मेरे को मिल जाता है, क्या बेटा, बाकी ग्रुप से मेरे को कीटोन बहुत अच्छे से मिल जाता है, ये हमारा कीटोन होता है। सारे बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद करूं बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चों को समझ में आए। इसका एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लूंगा तभी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। देखो बच्चे यहां पे क्या बात करते हैं, एग्जांपल की बात करता हूं, देखो हाँ बच्चे, तो इसकी एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं कैसे इसका एग्जांपल होगा, ध्यान समझना सीखना। देखो यहां पे क्या होगा बेटा, CH3 एक एल्किल ग्रुप, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ CL, यहाँ पे CL लिखना बोल गया, चलो ठीक है CL, ठीक है। अब इसका जब रिएक्ट कराएंगे, बेटा कैडमियम उसके बाद एल्किल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कैडमियम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फटाफट, देखो चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसका एल्किल ग्रुप निकाल लेते हैं, एल्किल ग्रुप में क्या रखते हैं CH3, चलो CH3, तो मैं इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चे ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि भैया हमारा जो कैडमियम रहता है, ये कैडमियम जो Cl2 को चोरी करके भाग जाएगा, मतलब इसको भैया लेके भाग जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। अब ये लेके गया भैया, तो हमको मिला क्या बेटा, यहाँ पे CD CL2 मेरे को कुछ इस प्रकार से मिला, CD CL2 मेरे को इस प्रकार से मिल गया। अब बाकी जो है बेटा, इसके जो क्लोरीन की जगह में जो बाकी जो एलिमेंट है वो तो आके लग जाएंगे बच्चे, मतलब मेरे को यहाँ पे मिल गया क्या, देखो ध्यान से, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मेरे को मिला CH3 और CH3। उसी प्रकार बच्चे मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो गई, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे मिल गया मेरे को, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और CH3। इस प्रकार से बच्चे मेरे को जो है कीटोन का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही है हमारा क्या कहलाता है बेटा, एसिड हैलाइड के द्वारा कीटोन का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अपन यहां से सीख गए बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आया कैसी चीजें हुई, ये सारे फंडे आपको समझ में आया कैसी चीजें बात किया मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा फिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ये अभिक्रिया जो है बहुत पूछी जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं बच्चे, फिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर दो चीजों की बात करेंगे, एसिड हैलाइड के द्वारा कीटोन का निर्माण की बात करेंगे। अब बच्चे फिडल क्रॉफ्ट के बारे में बात करते हैं, फिडल क्रॉफ्ट कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे जो है हमारा जो बेंजीन होता है उसका रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन का हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर, बेंजीन का एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमको जो मिलता है बेटा, हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। कैसे मिलेगा ध्यान से देखते हैं, हमारे पास बेंजीन है बेटा, इस बेंजीन को ध्यान से देखो, ये मेरा है बेंजीन, इस एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, किसकी प्रेजेंसी में, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंसी में जब रिएक्ट कराता हूं, तो बच्चे मेरे को यहां पे क्या मिलता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि CH3 यहां पे मिल रहा है, यहां पे C डबल बॉन्ड O मेरे को मिल रहा है, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, कार्बोनिल समूह हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे CH3 और बच्चे ये मेरा जो है एक जो बेंजीन मिल गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा जो कहलाता है बेटा वो कीटोन कहलाता है, क्या बच्चे, कीटोन कहलाता है, और मेरे को HCl का जो है फॉर्मेशन हो गया अलग से,
तो ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चे, हम इसको क्या बोलते हैं, फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया। कीटोन बनाने की जो फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया होती है, इसको आप लोग लिख के आना, बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? देखो बच्चे, फिडल क्रॉप्ट की अभिक्रिया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिडल क्रॉप्ट की अभिक्रिया कैसे चीज होती है। जब आप लोग जो है इधर के बारे में पढ़ोगे तो अभी यहाँ पे भी फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया होती है। तो बच्चा, फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया ओवरऑल बात की जाती है, मतलब जब हमारा रिएक्टेंट और हमारा जो रिएक्टेंट अगर चेंज होता है, तो फिडल क्रॉप्ट की अभिक्रिया अलग अलग उत्पाद के लिए अलग अलग होती है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आप एक ट्राई कीजिएगा कि जो सारे फिडल क्रॉप्ट जो अभिक्रिया होगी, सारे जो है प्रोडक्ट बनाने के, जैसे कीटोन बनाने के लिए फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया, एल्डिहाइड बनाने के लिए फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया, तो सारे फिडल क्रॉप्ट अभिक्रिया को एक जगह अपनी कॉपी के अंदर लिखिए, एक ही पेज के अंदर, जिससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो एलिमेंट के अंदर चेंजेस हो रही है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब बच्चे अपन बात करते हैं कि एग्जाम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैनिंग जानवर अभिक्रिया क्या होती है। फिलहाल बच्चे आप ये जो थोड़े बेसिक्स हैं उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, और बाकी जो रिएक्शन है उसको हम समझ लेते हैं, तब जाके बेटा हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, कैनिंग जानवर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ठीक है, एंड्रोन मिश्रित संघनन जो हम क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, कार्बोक्सिलिक समूह पढ़ना बाकी है, कीटोन्स पढ़ना बाकी है अभी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है बच्चे, हम वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग जो अभी जो अपना बेसिक्स था वो सारी चीज़ें बात कर चुके हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन के ऊपर बात किए, कीटोन के फॉर्मेशन के ऊपर बात किए। अब आने वाले लेक्चर के अंदर बच्चे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जाने वाले हैं, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने वाले कौन कौन से ऐसे जो है फेमस अभिक्रियाएं होती है, वो सारी चीज़ों को करने वाले। तो अभी के बच्चे वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।